राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर शासकीय नवीन प्राथमिक शाला डढ़ाड़ी के स्कूल में हुई चोरी। वहीं स्कूल में तीसरी बार चोरी का मामला सामने आया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सिलेंडर गेहूं चावल टाइल्स ले उड़े। बता दें कि चोर लगभग 50,000 की चोरी करके फरार हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। हमारा राजकुमार आचार्या है नाम और प्रधान अध्यापक के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला शिवपुरम ढड़ाड़ी में पदस्थ है। आज सुबह आके देखा क्या हुआ यहाँ पे? जब मैं सुबह घर पर था तो यहाँ से गांव वालों ने सूचना दी कि आपके विद्यालय का ताला टूट गया है। तो हम घर पे से यहाँ चले आए स्कूल देखने के लिए, तो यहाँ से चैनल टूटा हुआ था। 2-3 दिन पहले भी चैनल हमसे आया था तो देखा कि किसी ने मचाया हुआ था और ताला लगा था। क्या क्या सामान गया था? तो हमारे यहाँ से 300 क्विंटल के लगभग बो गया है चावल और 1 क्विंटल के लगभग अनाज गया और 2 नंग कुर्सी, 1 टेबल, टाइल्स 5 पेटी, जंगला लोहा का 1 नंग और लाइट का सामान भी, निर्माण काल चल रहा है यहाँ पे तो लाइट का सामान भी रखा था। लगभग 80-90 के लगभग की चोरी हुई है। तीसरी चोरी हुई है सर, पहले भी एक बार चोरी हुई थी तो हमने गांव वालों को बताया था, जो छोड़ दिया था कि चलो माँ हटाओ, और अब इस बार भी तीसरी बार चोरी हुई है। और ऐसे में बच्चों का विद्यालय की गरिमा पे असर पड़ता है। जी आपका नाम और गांव का नाम? मैं सियाराम रावत ढड़ाड़ी, सरपंच ढड़ाड़ी। आज सुबह शासकीय प्राथमिक शाला शिवपुरम ढड़ाड़ी के प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा जब सुबह सुबह मेरे घर आए तो उन्होंने बताया कि एक बार फिर से विद्यालय की चोरी हो गई है। यहाँ पर कम से कम चार बार चोरियाँ हो गई हैं और इस बार करीब 70-80 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहा है जिसका सामान भी चोरों ने ले लिया है। यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई, 1-2 बार और चोरियाँ हुई हैं लेकिन शासन ने कोई भी पुख्ता इंतजाम या सख्त कार्यवाही नहीं की है, जिस कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार चोरियां कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मुझे ये अफसोस होकर कहना पड़ेगा कि शिवपुरम विद्यालय यहां से बंद करना पड़ेगा, जिससे बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है। वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव, संभागीय ब्यूरो चीफ, समय जगत न्यूज चैनल छतरपुर। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।